नमस्कार, मैं हूँ फार्मासिस्ट नितेश और आज हम जानेंगे ओमेज के बारे में। ओमेज 20 के इस्तेमाल, परिचय, साइड इफेक्ट और इसके ओमेज के लाभ क्या क्या हैं, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओमेज कैप्सूल एक दवा है जो पेट में आपके उत्पादित एसिड की मात्रा को कम करती है। यह पेट और आंत के एसिड से संबंधित रोगों जैसे सीने में जलन हो गया, एसिड रिफ्लक्स और पेप्टिक अल्सर डिजीज इत्यादि का इलाज करने में मदद करता है। ओमेज कैप्सूल किस प्रकार काम करता है तो उसकी बात करते तो ओमेज कैप्सूल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। यह पेट में एसिड की मात्रा को कम करने का काम करता है, जिससे एसिड के कारण होने वाली अपच और सीने की जलन संबंधी परेशानी से राहत मिलती है। और ओमेज कैप्सूल की डोज की बात करें तो इसको कैसे लेना चाहिए, तो इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। और ज़्यादातर ओमेज कैप्सूल को खाली पेट ही लिया जाता है। ओमेज कैप्सूल साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट डॉक्टर की सलाह में ज़रूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट भी समाप्त हो जाता है। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। और इसके सामान्य साइड इफ़ेक्ट जैसे डायरिया हो गया, पेट फूलना हो गया, सिर दर्द, मिचली आना, पेट में दर्द, उल्टी इत्यादि सारे नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं ओमेज कैप्सूल के। ओमेज कैप्सूल के यूजेस की बात करें तो ये इसका यूज जैसे आपके सीने में जलन हो रहा है, गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स डिजीज और पेप्टिक अल्सर डिजीज के कारण को समाप्त करने के लिए ओमेज कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और यह सीने में जलन को कैसे ठीक कर सकता है, तो सीने में जलन और एसिड रिफ्लक्स तब होता है जब आपके पेट के ऊपर की मांसपेशी बहुत अधिक रिलैक्स हो जाती है और पेट की सामग्री एसिड इसोफेगस और मुंह में वापस आने लगती है। ओमेज कैप्सूल प्रोटीन पंप इनहिबिटर नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। यह आपके पेट द्वारा बनाए जाने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है और हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स से जुड़े दर्द से राहत देता है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ओमेज कैप्सूल काम करता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, आप कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।